सो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। सॉरी थोड़ा लेट हो गए हैं, 10:30 ऑलमोस्ट 10:30 हो गए हैं। सो अभी साइट पे जाने की तैयारी है और मैं निकल चुका हूँ, रास्ते में हूँ। आज थोड़ा माइक सेट कर लिया है, आई थिंक मेरे को नहीं पता कैसी वॉइस रिकॉर्ड होती है इसके बाद, बट जनरली वॉइस रिकॉर्ड हो नहीं पा रही थी ऑन द ड्राइव। तो चलो अभी साइट पे पहुंचना है और अभी पहले बैंक जाना है, उसके बाद साइट पे जाएंगे। तो कॉन्टेक्ट से बात हो गई है, वो अभी शटरिंग लेके आ रहे हैं। तो लेट्स सी, जल्दी पहुंचते हैं साइट पे और देखते हैं कि क्या हो रहा है साइट पे। सो चलो गाइस, अभी निकलते हैं हम साइट के लिए। पहले मेरे को बैंक जाना है। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और ऑलमोस्ट थोड़ा लेट हो निकला हूँ आज घर से। सो आई थिंक 11:30 11:30 तक हो जाएगा टाइम साइट पे पहुँचते पहुँचते। तो आज रास्ता भी दूसरा लिया है, दूसरी जगह से जा रहे हैं आज साइड पे। आई थिंक इस तरफ को ट्रैफिक जाम ना मिले। और आज माइक सेटअप तो कर लिया है मैंने, बट देखते हैं। एक्चुअली मैंने मास्क के अंदर ही माइक लगा लिया अपना, तो मुझे नहीं पता कि साउंड क्वालिटी कैसी आती है। तो शाम को जब एडिटिंग में वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। बट एक्चुअली राइडिंग करते टाइम वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही थी और फ़ोन से आई थिंक इतनी अच्छी वॉइस रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही थी। तो मैंने आज माइक सेटअप लगा लिया है। और चलो गाइज, अभी बैंक का काम हो गया है। तो चलो अभी बैंक का काम तो निपटा लिया, चलो अब साइड पे चलते हैं जल्दी, लेट ना हो जाए। सो हेलो गाइस, जैसे मैंने आपको कहा था कि 11:30 बजे पहुंचेंगे और अभी टाइम 11:30 ही हो रहा है। तो अभी बस पहुंचा हूं, गाड़ी पार्किंग में लगाई है। चलो देखते हैं साइड पे और क्या चल रहा है अभी। और ये गौ माता आई हुई है, हाँ जी क्या चाहिए गौ। तो गाइस, यहां की गाय थोड़ी डेट होती है, रोटी ना दो तो सींग मार देती है। तो चलो गाइस, अभी देखते हैं साइड पे क्या हो रहा है। साला बना हुआ है, ये गड्ढे को खोद रहे हैं। तो गाइस, ये टंकी में कल RCC हुआ था वो सेट हो चुका है और एक अलग शाइनिंग सी लेयर दिख रही है इसके ऊपर। ये जाल पूरा सेट हो गया नीचे RCC के। थोड़ी टूट जाएगी आपकी, हैं? ये तो इसको उठवा दोगे पोर्शन कुछ। आप पत्थर के ऊपर ही चिनाई कर दो ना। लेबल क्या उसके ऊपर ही आ रहा है क्या? लेबल आ रहा ना, ये चक्कर। उसमें मसाला डाल दो ऐसी, क्या करेंगे इसमें? पत्थर इतना हार्ड है, चिनाई की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। नहीं, ये नहीं समझे बात। हम कहा वो अलग पोर्शन डाउन कर लेते, ये वाला पीछे वो उठा देते, ये भी पत्थर। ये उठा हुआ है तो है, कहाँ उठा? ये 1.5 फुट उठा हुआ है लेबल, जो वहाँ का लेबल है ना वो नीचे है, ये वाला ऑलरेडी ऊपर उठा हुआ आ रहा है। वो जो नीचे ईंट की दीवार चिनाई की है ना, ये तो बहुत ऊपर चला जाएगा, नहीं तो बीच में पत्थर पड़े। ये पत्थर टूटेगा नहीं है थोड़े से, ईट से ज्यादा तो यही मजबूत है। तो गाइस, कल एक ये कॉलम भरा था, अभी इसमें टैपर होना बाकी है। गाइस अभी पानी दे रहे हैं थोड़ा RCC को, धूप तेज है तो ये कल कास्ट हुआ है तो इसमें पानी देना ज़रूरी है, नहीं तो RCC में क्रैक्स आ जाते हैं। और मैंने पानी डाल दिया इसमें 2 बाल्टी।
सो अभी धूप तेज है तो तेज़ धूप में दिक्कत ही होती है कि कंक्रीट को अच्छे से तराई करनी ज़रूरी है वरना उसमें क्रैक्स आने का खतरा रहता है। बाकी सेट हो चुका है ऑलमोस्ट, भी पानी देना ज़रूरी है। सो अभी साइट पे मेनली खुदाई चल रही है और चिनाई चल रही है, बट अभी शटरिंग वाले आए नहीं है। देखते हैं शटरिंग लेके वो कितनी देर में आते हैं, आते भी हैं कि नहीं आते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि गर्मी में तराई होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो सीमेंट है जो कंक्रीट है अपनी स्ट्रेंथ नहीं पकड़ पाता है और चांसेस होते हैं कि वो वीक हो सकता है या क्रैक्स आ सकते हैं उसमें। तो गर्मी के टाइम अगर आप आरसीसी वर्क कर रहे हैं तो पानी की तराई खूब अच्छे से करनी चाहिए, चाहे वो कॉलम्स हो, फुटिंग हो या दीवारें हो किसी भी चीज़ की। इसलिए पानी डलवाया जा रहा है सब फुटिंग्स में। सो गाइस अभी कॉलम सेट हो गया जाल में, तो अभी रस्सी अभी सारी नहीं खोली है, दो खोल दी हैं, एक जो मेरे हाथ में है तो अभी पकड़ हो गई है, तो अभी कहीं नहीं जाएगा। चलो गैस अभी पानी की तराई हो गई है और दिन में दो बार ज़रूरी है तराई, तो एक बार हो चुकी है। देखेंगे शाम को जाते टाइम अगर पानी अवेलेबल होगा तो फिर से तराई कर देंगे एक बार, क्योंकि धूप तेज़ है। तो मेरे को लगता नहीं आरसीसी का जो और कोई काम होगा, आई थिंक आज खुदाई और ये किचन ही हो रही है। शटरिंग में आई थिंक पूरा टाइम लग जाएगा अगर वो लोग आएंगे तो। गाइस अभी एक कॉलम की जगह है जिसमें मलबा बढ़ा हुआ था, तो ये मलबा क्लियर हो रहा है। मलबा ही मलबा है, सारा पत्थर तो निकलेंगे नहीं इसमें से। सो गाइस अभी फुटिंग्स के अंदर चिनाई हो रही है हॉरिजॉन्टली, कॉलम टू कॉलम, इस कॉलम से इस कॉलम तक। सो अभी एक्चुअली पत्थर वाले आए थे, एक्चुअली अभी पत्थर वाले आए थे, बट पत्थर अभी क्लियर नहीं हो पाएंगे साइड से, क्योंकि सारे बड़े बड़े पत्थर मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। सो उन्होंने कहा आप ऊपर की मिट्टी फिलिंग में यूज़ कर लीजिए, उसके बाद जब पत्थर इकट्ठा हो जाएंगे तो वो ले जाएंगे। तो ये भी एक इशू हो गया है, क्योंकि पहाड़ जैसा बना हुआ है यहाँ पे, उसकी वजह से साइट में एक तो लेवल का पता नहीं लग पा रहा है कि एक्चुअल लेवल जो फ्लोर का है या जो लैंड का होता है क्या है। सो देखो अभी उन्होंने बोला है कि आप ऊपर की मिट्टी हटवा के फुटिंग में फिलिंग करवा दीजिए, उसके बाद अगर जो पत्थर है वो निकल आएंगे तो वो लोग पत्थर लेके फिर लेने आ जाएंगे। तो चलो देखते हैं, अभी तो खैर फुटिंग में चिनाई हो रही है, आई थिंक कल देखेंगे जो जो जितने कॉलम्स या जितनी फुटिंग्स है उसमें जितना हो सकता है फिलिंग करवा देंगे मिट्टी से। तो चलो गाइस अभी लंच टाइम हो गया है, तो लंच करते हैं, देखते हैं लंच के बाद शटरिंग के लिए बोला है, तो देखते हैं लंच के बाद शटरिंग लेके आते हैं कि नहीं आते हैं। चलो गाइस मिलते हैं अभी लंच के बाद। तो गाइस अभी आँख लग गई थी, एक्चुअली बहुत तेज धूप है तो वो खड़ा नहीं हो जाएगा साइड पे। अभी मैंने इस गड्ढे में उतरने की कोशिश की और ये पूरी मिट्टी बैठ गई नीचे और मैं सीधा अंदर गड्ढे में गिर गया। तो गिरा तो ये देखो हाथ में चोट भी लग गई है, तो साइड में थोड़ा रिस्की तो होता ही है, तो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। ये मिट्टी कच्ची है तो सारी मिट्टी अभी गड्ढा खाली किया था फिर भर गया, पैर फिसला नहीं, मिट्टी बैठ गई तो नीचे चला गया था सब कुछ। सो अभी शटरिंग के लिए बोला है, शटरिंग अभी लेने गए हुए हैं,
देखते हैं कितने देर में शटरिंग आती है। बाकी आज भी कुछ ख़ास काम तो नहीं है अभी, जब तक कि जो दीवार की चिनाई कर रहे हैं तब तक थोड़ा टाइम लगेगा। ये फुटिंग्स के लिए दो फुटिंग आनी है इसके गड्ढे के अंदर, तो ये रेडी है। आई थिंक आज इसमें पीसीसी कर देंगे तो कल इसमें कॉलम बैठाएंगे हम लोग। बाकी चिनाई चल रही है, बाकी ये गड्ढा है टंकी का, इधर से फिलिंग करवानी है, इसको टैपर करना है और चिनाई चल रही है साइड बाई साइड। सो काम का फ्लो अभी उतना ज़बरदस्ती उतना तेज़ नहीं है, देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी। सो गाइस इसमें मेरे को बीच वाला कॉलम थोड़ा हटा हुआ लग रहा है क्योंकि यहाँ से लेबलिंग की गई है एरो, और आप देख सकते हैं बीच में एकदम कॉलम से टच हो रहा है सेंटर वाले से। आई थिंक करेक्ट है कि नहीं, आई थिंक 1 इंच से कम जगह आ रही है, ये सूता लगा हुआ है। और ये मतलब वॉल टू वॉल कॉलम में सही है, बट सेंट्रल कॉलम थोड़ा मेरे को लग रहा है सही डिस्टेंस पे नहीं है। चलो वो जब फर्म में लगाएंगे तब करेक्शन हो जाएगी इसमें। तो गाइस चोट लग गई आज हाथ में, चलो अभी इसमें डेटॉल मारते हैं। सो धूप काफ़ी तेज़ है आज, और बट आज नींद आ गई थी दिन में क्योंकि मौसम ही ऐसा है, तो तेज़ धूप में काम करवाना थोड़ा टफ होता है। खड़े तो रहना पड़ेगा, अभी सडनली मेरी आँख लग गई थी और ठेकेदार आ गए थे, उनका फ़ोन आया तब आँख खुली है। तो चलो अभी उनको भेजा है शटरिंग के लिए, देखते कितनी देर में शटरिंग लेके आते हैं। तब तो चलो छाँव में खड़े होते हैं, बहुत धूप है। ऊपर से नीचे वो घूमते रहती है। हां काम से ये क्या ब्लेंडर को है ओके। तो चलो गाइस ये कॉलम टैपर होना था, ये टैपर हो गया और ये चिनाई होनी थी तो चिनाई हो गई है। कि शटरिंग तो आ नहीं पाई, शटरिंग मॉर्निंग में आएगी, तो शटरिंग को मॉर्निंग में लगा के इसमें रोड़ी वगैरह भर देंगे, तो उसका भी कल ही हो पाएगा काम। अब सोचे लोग अभी जो कॉलम के लिए गड्ढा खोजा था आज, उसमें भी पीसीसी हो गया है। पीसीसी पूरा तो आई थिंक मेरे को लग नहीं रहा हुआ है, बट लगभग पीसीसी इसमें हो गया है, कल कॉलम खड़े हो जाएंगे इसमें। और देखते हैं टंकी का शटरिंग हो नहीं पाई, बाकी कॉलम टैपर हो गया। तो चलो अभी लेबर लोग भी निकल गए हैं, हम लोग भी निकलते हैं। तो चलो गाइस अभी आज का काम तो ख़त्म हो गया है, बट जितना काम मैं चाह रहा था उतना काम तो हुआ नहीं है, और काफ़ी एक सुस्त हो गई है काम की चाल, काफ़ी एक्चुअली इतना टाइम नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी काम हो क्योंकि मैं भी रोज़ साइट पे आ नहीं सकता हूँ। सो देखते हैं, कोशिश करते हैं। अभी मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला है कि काम को थोड़ा स्पीड अप करें, थोड़ा काम की स्पीड बढ़ाएं, जो वर्कर हैं लेबर है उनको बढ़ाएं। सो कहते हैं अप्रैल में भी, अप्रैल से पहले पहले ही जो लेंटर है वो कास्ट हो जाएगा। सो चलो देखते हैं, अभी नीचे का काम बहुत है, कह रहे प्लिंथ लेवल पर आने के बाद फिर काम की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, तो देखते हैं इस बीच क्या सरदर्दी होती है। तो चलो अभी तो निकलते हैं, आज का काम हो गया है जितना भी हुआ है, बाकी कल का देखेंगे कल क्या होता है। तो चलो अभी मैं भी निकलता हूँ, 6 ऑलमोस्ट बज गए हैं, तो जल्दी घर पहुँचते हैं और आज का व्लॉग भी यहीं ख़त्म करते हैं। मिलूँगा मैं आपसे कल के व्लॉग में, और देखेंगे कल साइड पर क्या कुछ होता है। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बने रहना आर्यन भाई के व्लॉग्स के साथ। ओके बाय।